में सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले नमस्कार और आप लोग का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए और हमारे प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे भाइयों को इंकरेज करने के लिए हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद राउत बॉलीवुड से फिल्म डायरेक्टर हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, आपके बॉलीवुड में, मुंबई में हूँ, काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। मैं ममता राउत और मैं रांची झारखंड से हूँ। फिलहाल 10 सालों से मुंबई में हूँ और कई बॉलीवुड फिल्मों में और राइजिंग स्टार और द वॉइस जैसे रियलिटी शोज में आपने मुझे देखा होगा। आप सबका प्यार मुझे मिला है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और बस आगे ये जो आज शहादत दिवस मनाया गया, शहीद रामफल मंडल जी के आज 25 अगस्त को, वैसे तो ये 23 अगस्त को मनाया जा चुका है बिहार में और आज हम लोग 2 दिन बाद मना रहे हैं। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दो तीन साल से काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो संगठन बनाए हैं उसको धाम विकास सेवा संघ, सामाजिक एकता, शिक्षा और देश मुक्त, और हमारी एक साल में एक बार फंक्शन होता है। जो फंक्शन के तहत हमारी शहीद रामफल मंडल जी जो 20 साल में देश के लिए कुर्बान कर गए थे और सीतामढ़ी के रहने वाले थे, तो उनका साथ उनको श्रद्धालुओं का मतलब इनको जो शहीदों का दर्जा नहीं मिला। तो हम लोग कोशिश में है जो आप लोग की मदद हो, सहायता हो, तो हम लोग हर साल इसका फंक्शन करते हैं और शहीदों का दर्जा जरूर मिला जाए शहीद रामफल मंडल जी को। ये कितनी दूसरी बार कर रहे हैं आप ये प्रोग्राम? नहीं, हम लोग तीसरी बार कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ नहीं कर रहे, मतलब मुंबई में तीसरी बार कर रहे हैं। 3 साल से संगठन हम लोग बना रहे हैं और 3 साल हम लोग का प्रोग्राम है और शहीदों का दर्जा मिलने चाहिए शहीद रामफल मंडल जी को। 19 साल में अंग्रेजों के टाइम में उसने शहीद हो गया था, जो अंग्रेजों का जो अत्याचार हुआ था ना, सीतामढ़ी में गोलीकांड हुआ था, उस टाइम पर उसने समाजों के लिए उसने शहीद कर दिया। क्यों नहीं मिला वो शहीद? शहीदों का दर्जा उनको इसलिए नहीं मिला जो 3 अधिकारी। एक्चुअली क्या है, देश में देखा जाए तो हमारे रामफल मंडल जी तो फिर भी अभी गुमनामी में। अब आप लोग के जरिए लोगों के जहन में जाएगा, मीडिया के जरिए जाएगा कि रामफल मंडल यादव जो मराए थे उस समय, रामफल मंडल जी जो अंग्रेजों के अत्याचार से और उनको फांसी में चढ़ा दिया गया, ऐसे बहुत सारे इतिहास के पन्नों में जो हैं उनको भी इतिहास के में मतलब आज की डेट में उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन इनको फिर भी हम आप लोग के जरिए चाह रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे कितने लोग हैं, कितने एहसान हैं, कितनी कुर्बानियाँ जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, आज आज़ादी के हम सांस ले पा रहे हैं। इनका कम से कम नाम आज आप लोग के जरिए हम चाह रहे लोगों में आए, वो आए, प्लस शहीद का दर्जा मिले, शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि ना जाने इतिहास के पन्नों में कितने कुर्बानियाँ हैं जिसको हम लोग अनगिनत कह सकते हैं। लेकिन हम लोग बार बार कोशिश करते हैं सरकार से आज इतने सालों से, लेकिन कोई उसका अभी तक कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं आया है। उम्मीद है इस बार कुछ कोशिश है, बिहार से भी कुछ कोशिश है, अगले अगले स्थानों से जहाँ से ये आवाज़ उठी है। सर, मैं आपकी बात करना चाह रहा हूँ, आप बॉलीवुड से आप ताल्लुक रखते हैं जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए कि ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, धारावाहिक भी बनी है, तो आपकी तरफ से लोगों में जो मैसेज जाना चाहिए बॉलीवुड की ओर से, तो इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है, आपका धन्यवाद। हम ये बात अभी मंच से एक्चुअली हम बताने वाले थे लोगों को, आप बताना है सुनना चाह रहे हैं। एक्चुअली हमारी कोशिश है, हमारे समाज है, धार्मिक विकास सेवा मंडल है, इनकी इच्छा है और नीरज जी की खासकर इच्छा है कि हम लोग इनका जो है हम लोग डॉक्यूमेंट्री, जिस तरह से धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्री हुई, शॉर्ट फिल्म हुई, सिर्फ फिल्में हुई, हम करने जा रहे हैं और ये साल हो सकता है लोगों के जरिए, लोगों के आसपास में ये देखने को मौका मिले। जो हमारा है, सबका समाज में अलग अलग दर्जा है, उनका अपने अपने तरीके से लोग उनको सेवा देते हैं। हम कलाकार हैं, हम चाहते हैं कि अपने जरिए उनको तब से ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सही मतलब शहादत हम उनको दे पाएंगे, जयंती मना पाएंगे, जब हम उनको नाम एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एक अच्छी फिल्म देखे, लोगों के जहन में दिखा सके, उन्हें जिमनी दिखा सके ये है क्या चीज़, वो हम प्रयास शुरू कर चुके हैं। उम्मीद है साल के अंत तक हम आप लोग के जरिए आपको बताएंगे लोगों को भी कि आपके पास आ चुका है ये फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, या हम डॉक्यूमेंट्री करने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा सुनिंदर जी, उनके परिवार वालों को, शहीद के परिवार वालों को आपकी तरफ से सहायता दी जी? जी, जो क्या कोशिश में है सर, इनको जो जितना सीतामढ़ी के जिला बनाने के रहने वाले जहाँ का उनका जन्म स्थान है ना,
वहाँ उनके घर के लिए पढ़ने के लिए हम लोग जो है ना वहाँ उनको श्रद्धांजलि के लिए वहाँ पे हम लोग जो है ना स्वयं स्मारक भी बनाए हैं और उसको घर परिवार को जो सुखमय जीवन के लिए हम लोग पूरी कोशिश में लगे हैं कि इनको कभी भी कहीं कोई दिक्कत ना हो और उनको घर भी अच्छी पर बन गई है, घर में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग सिर्फ एक ही आगे टारगेट रखे हैं जो उनकी शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। वो शहीदों का दर्जा जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक हम जोर से निरंतर काम करते ही रहेंगे, चाहे केंद्र में जाओ चाहे राज्य में जाओ कहीं भी कहीं से कर। हम लोग पूरी कोशिश में है, आप लोग की सहयोग चाहिए। आप लोग चाहेंगे न्यूज में जगह आप वो करेंगे तो ये केंद्र में जाएगा तो हमारा हम लोग का क्यों यदि सम्मान मिलेगा तो उस हिसाब से आप लोग को जाना चाहिए और जाके चलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे किन किन लोगों ने यहाँ परफॉर्म किया बता दीजिए। पहले मैं हम लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। एक एम एन सी में कंट्री हेड के नेशनल हेड के तौर पे काम करती है, मैं लास्ट 2 मंथ से मैं और मैं इस संस्था का सलाहकार हूँ। और जहाँ तक बात है हमारे शहीद रामबल मंडल जी की, उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी अपने देश के लिए और शहीद का जहाँ तक मेरा मानना है शहीद जो होता है वो किसी एक गांव का एक जिला का एक राज्य का और एक देश का नहीं, एक पूरे वो देश का शहीद होता है, एक प्रांत का नहीं ये पूरे देश का होता है। तो हमें पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी अपना आवाज़ उठाए। कई शहीद ऐसे हैं जिनका पूरे गुमनामी में जी रहे हैं, ये तो हम लोग हैं, ये हमारी संगठन दानव विकास सेवा संघ जो है वो अभी पिछले 3-4 सालों से लगातार हम लोग अभी बिहार में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ हमारा, वहाँ सी पी सिंह जी वगैरह वहाँ के सांसद वगैरह लोग मिनिस्टर सब आए हैं और हम लोगों ने वहाँ भी एक ही मांग रखा कि इन्हें जो दर्जा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए इनके परिवार को और इससे हमारे देश का नाम गौरवान्वित हो। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, हम लोग जो संगठन बनाए हैं धान विकास सेवा संघ और जो हम लोग साल का जो फंक्शन देखते हैं शहीद अमर शहीद शहादत दिवस शहीद अपना शहादत दिवस 7 मुझे रखते हैं तो इनको इसके लिए रखते हैं। हम लोग जो खर्च करते हैं जो इनको शहीदों का दर्जा जब तक सामने आवाज़ नहीं जाएगा जब तक केंद्र में आवाज़ नहीं जाएगा तब तक उनको कैसे सम्मान मिलेगा और कैसे शहीद का दर्जा मिला जाएगा। तो जब तक आप लोग की जब तक सहयोग बंद नहीं करेंगे जब तक केंद्र में नहीं जाएंगे इस बात तब तक ये बात कैसे बढ़ेगी। तो हम लोग आप लोग को लिए आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग इस बात को आगे कीजिए। जब तक आप लोग नहीं आगे करेंगे जो मीडिया है मीडिया वाले ही है जो हर कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो कार्यक्रम करते हैं साल का लेकिन आप लोग उस चीज़ को जो है उसको आगे बढ़ेंगे तो जरूर इनको जरूरी चीज़ है। लाख की आवाज़ बनेगी आज हम 100, 200, 400 लोग इकट्ठा हुए हैं और उम्मीद है आप लोग धन्यवाद है कि इसको लाखों और करोड़ की आवाज़ आप बनेंगे। आप बाकी और लोग हैं हमारे संस्था के लोग उन लोग से जरा अपना विचार सुशील कुमार मंडल का सेवा संघ और आप लोगों को सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस समाज के नहीं इसी चीज़ के लिए नहीं सर, ये देश का स्तंभ मीडिया है सर और बिना मीडिया के न तो इनको शहीद का दर्जा मिला जा सकता है न तो समाज का न तो देश का विकास हो सकता है सर। आज मीडिया सर्वोपरि है हमारे इसे और आप लोगों को मैं ये चाहूँगा सर कि अगर आप चाह लेंगे तो अमर शहीद रामपुर मंडल जी को शहीद का दर्जा मिल सकता है सर। तो सिर्फ आप लोगों के ऊपर है, हम लोग तो सर प्रयास कर सकते हैं। आप लोग अगर हम प्रमोट करेंगे दिखाएंगे आज हमारे समाज के बड़े नीरज राव जी हैं सर आनंद राव जी हैं और ममता जी हैं पिंकी जी हैं जो हम लोग चाहते हैं सर समाज में और इसी तरह के हैं हमारे इधर महाराष्ट्र मुंबई महानगरी में जो कि लोगों को हम लोग चाहते हैं संगठन को समाज को एकजुट करें और अध्यक्ष महोदय जी हैं हमारे हम लोग हर संडे को सर जा के समाज के बीच जाते हैं जागरूकता सच्ची के लिए करते हैं। तो इस तरह का है हम लोगों में सर प्रयास कि बस प्रयास कर सकते हैं आप आगे आप लोगों की है सर। आप लोग अगर चाहेंगे सर तो अमर शहीद रामपुर मंडल जी का ही होगा सर। पहली बार जो हम लोग अंधेरे में पहली बार जब अंधेरे में हम लोग किए थे, मेरा नाम हीरा हमराई है, लगभग मैं 19 साल से मुंबई में रहता हूँ और संगीत लाइन से जुड़ा हूँ, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मुझे आता डर जाता हूँ। पहली बार हम लोग बिना म्यूजिक के किए थे, कुछ नहीं था उस टाइम, लगभग 150 आदमी हम लोग थे। आज बहुत खुशी मिल रही कि इतनी जागरूकता ये 2-3 साल में हुआ,
तो वो दिन दूर नहीं है जब रामपाल मंडल को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ धानु विकास सेवा संघ की। ये लोग इतना मेहनत करते हैं कि घर घर जाके प्रचार करते हैं, लोगों को पकड़ के लाते कि इस संघ से जुड़िए। और जो हमारे पूर्वज ने देश के लिए अपना खून बहाया है उनको हक मिलना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो पाताल में अगर छुप जाए कुछ उन्हें आप लोग ऊपर कर लेते हैं, ये तो पहले से ही ऊपर है। तो आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और रामफल मंडल को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत बहुत मैं सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को शहीद रामफल मंडल जी की 95वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि के साथ अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पत्रकार छाया बंधुओं, हमारे चीफ गेस्ट आनंद जी और बहन ममता जी मेरे साथ आए, मध्य प्रदेश के हमारे धानुक समाज के अध्यक्ष मधुराज जी, राजस्थान से धानुक समाज के अध्यक्ष ब्रजेश किरार जी, और मैं अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का ऑल इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारा समाज पूरे देश भर में शहीदी दिवस के ऊपर आज कार्यक्रम कर रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, मैं महाराष्ट्र सरकार से भी आग्रह कर रहा हूँ और केंद्र की सरकार से भी कि शहीद रामफल मंडल जी को 19 साल की एज में जिन्होंने देश के लिए अपनी बलिदान दिया था उसको आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये बड़ा ही दुखदायी है। इस समाज में बहुत शहीद हुए, इस समाज का इतिहास भी बड़ा गौरवशाली है। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से और प्रदेश के महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से और सभी प्रांतों के मंत्री और मुख्यमंत्रियों से आग्रह करते हैं कि ऐसे शहीद के लिए प्रत्येक प्रांत में शहीद के दर्जे के साथ साथ इसके संग्रहालय में कहीं इनकी स्टैचू लगाई जाए या इनकी कोई चेयर स्थापित की जाए, ताकि इतना बड़ा समाज, जो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की टोटल आबादी का 25% इस समाज का हिस्सा है, इस समाज को अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको एकजुट करने के लिए हम पूरे प्रदेश भर में कार्यरत हैं। महाराष्ट्र हो चाहे उत्तराखंड हो, झारखंड हो, बिहार हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस स्टेट की बहुत आबादी है। तो इस जाति को कुछ राजनीतिक कारणों से पीछे धकेलने का काम किया इस जाति में, जैसे पीछे हमारी बेटी हिमा दास ने जो गोल्ड मेडलिस्ट थी और IAS जिसने टॉप किया था वो टीना ढाबी भी इसी समाज से थी, और शहीद रामफल मंडल जी के आपके बारे में जानते मैं बधाई देता हूँ पूरे संगठन को, जिसके अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र मंडल जी और पूरी टीम को, जिन्होंने ऐसा साहसिक प्रयास किया है। और मैं निरंतर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए आग्रह करता हूँ कि आनंद जी और ममता जी और समस्त महाराष्ट्र के हमारे जो लोग यहाँ विराजमान हैं, वो फिल्म इंडस्ट्रीज में भी है, दूसरे कार्यों में भी लगे हुए हैं, वो सब एकजुट हों और इस समाज को नई दिशा देने का कार्य करें। मैं आप सब पत्रकार छाया बंधुओं से उन्हें निवेदन करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप ये महत्वपूर्ण जो डिमांड है कि महाराष्ट्र के अंदर इसकी चेयर स्थापित की जाए शहीद रामफल मंडल जी की, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको शहीद का दर्जा दे दिया जाए, ताकि इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ पहुँचे, मैं आपका यहाँ पहुँचने पर उन्हें धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय धानु। मैं राजस्थान से हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, समाज की सेवा के लिए उपस्थित हैं यहाँ पे, और रामफल मंडल जी की शहादत दिवस पे मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और साथ ही संगठन के सभी का सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये साहसिक कदम रखा। और साथ ही मैं अपनी राजस्थान की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से ये डिमांड रखता हूँ कि शहीद रामफल मंडल के शहीद का दर्जा दिया जाए, उनका यहाँ पे स्टैचू या स्मारक स्थल स्थापित किया जाए, और उनको जो स्मारक के रूप में व्यवस्थित है उस प्रकार का सम्मान पूरा मिले उनको। और हमारी जो कम्युनिटी है उसे ये निवेदन करता हूँ कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें, और पूरे प्रदेश यहाँ महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी हमारी कम्युनिटी रह रही है वहाँ पे जागृति के रूप में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। मैं पुनः इस कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष धानु समाज, सर्वप्रथम मैं शहीद रामफल मंडल की इस शहीद दिवस पे आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हम लोग का, पूरी टीम का, सुरेंद्र भाई का, मेरा, किराट जी का एक ही उद्देश्य है, धानुक समाज भारत के मानचित्र पर बहुत अग्रिम कड़ी में जुड़ी रहे और माननीय रामफल जी मंडल को एक बहुत सम्मानी पद, शहीद का पद
पूरे स्टेट में जगह जगह पूरे भारत के हर स्टेट में मिले इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। धानुक समाज उन्नति और विकास और उत्थान की ओर बढ़े इसके लिए हम लोग लगातार कर रहे हैं। इस शानदार और जानदार आयोजन के लिए पूरी समिति को मध्य प्रदेश की ओर से भारतवर्ष की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमारे सभी समाज बांधवों से ये बताना चाहूँगा कि भारत के आज़ादी के लिए सभी जातियों ने अपना बलिदान दिया है। सभी जाति धर्म से लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, लेकिन भारत की जाति व्यवस्था ने इन सभी दलित आदिवासी पिछड़ी जातियों के महापुरुषों को वीरों को पीछे रखा है, इतिहास से उनके पन्ने फाड़ दिए हैं। वैसे ही रामपाल जी मंडल जी उन्होंने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है और ये मंडल समाज जो धानुक समाज भारतवर्ष के पूरे राज्य में राजस्थान हो बिहार हो मध्य प्रदेश हो त्रिपुरा हो हिमाचल प्रदेश हो गुजरात हो और यहाँ पे भारत के सभी राज्यों से जहाँ बसा है और वो सभी धानुक समाज के लोगों को मैं चाहता हूँ आप इकट्ठा होके अपने न्याय अधिकार की लड़ाई लड़े। हम इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। जो समाज इतिहास से कुछ सीखेगा नहीं वो आगे इतिहास निर्माण नहीं कर पाएगा, इसलिए धानुक समाज ने इकट्ठा होके अपने न्याय अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए और आज का दिवस इसलिए हम याद करेंगे और आगे चल के अपने जो शहीदों का जिनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है उसके लिए सब होके प्रयास करेंगे। धन्यवाद।